पानी के कारण लोगों ने किया लोकसभा चुनाव का बहिष्कार। बोले पानी नहीं तो वोट नहीं, सरकार बदली चेहरा बदला लेकिन नहीं बदले हालात। ये मामला है टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र का, जहां होने वाले मतदान के पहले ही कई जगह लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने की बात की है। मामला छतरपुर जिले के गरौली गाँव का है। लगभग सैकड़ों लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है, पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। इससे पहले छतरपुर जिले के सर्वे क्षेत्र में भी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी मतदान का बहिष्कार किया था। नौगांव थाना क्षेत्र के गरौली गांव के लोगों में खाली बर्तन रखकर गाजे बाजे के साथ मतदान का बहिष्कार किया है। सरकार किसी की भी रहे सिर्फ हमारे वोट लेने तक ही सीमित रहती है, हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। आपका नाम? हमारा नाम सरस्वती अहरवार है, मेला मोहल्ला की निवासी है। गांव का नाम ग्राम गरौली है। ये किस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं आप? सर, पानी के लिए कर रहे हैं। क्या इसके पहले कोई नेता आया आपको ऐसा बोला कि हम आपकी पानी की व्यवस्था करेंगे? जी आए थे, पिछली बार आए थे तो उन लोगों ने मतलब जो हमारे यहाँ गांव में भी पहली बार वोट दिए थे सरपंच वाले, उन लोगों भी बोल रहे थे कि हम लोग पानी की व्यवस्था कराएंगे। उन लोगों ने किया पिछली बार, हम लोग गांव गए थे, तहसील में भी बात की थी तो तहसील वालों ने कह दिया था कि अबकी बार आपके यहाँ पानी की व्यवस्था की जाएगी। उन लोगों ने अब पूरी साल हो गया है, इसलिए आपकी बार जो कोई भी वोट लेने के लिए आएगा हमारे मेला मोहल्ला से बिल्कुल निश्चिंत हम लोग आएंगे कि कोई भी ना तो महिला जाएगी ना पुरुष वोट देने के लिए कोई नहीं जाएगा, चाहे कोई नेता आए चाहे कोई कलेक्टर आए या कोई भी आए। मेन समस्या आपकी पानी की है और कोई भी समस्या है? हाँ सर, पानी पहले भी समस्या पानी की है, फिर काफी भी समस्या हमारे मोहल्ले में जो विधवा औरतें हैं और वृद्धा पेंशन है, काफी भी समस्या हमारे यहाँ, कोई समस्या कोई हल नहीं करता। आपका नाम? कैलाश कुमार साहू। आप कहाँ के निवासी हैं? ग्राम गरौली। आप लोगों के आज क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? सर गरौली में मेन मुद्दा पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और सुबह से उठ के 5 बजे से सब लोग मतलब पानी के लिए घूमते हैं, और तीन चार किलोमीटर तक पानी लेने जाना पड़ता है। और सर पहले तो यहाँ पे कई बार नेता लोगों से बोला भी है पानी के लिए, और कई बार आए हैं, जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी बोला गया था कि हाँ आपकी पानी की समस्या की समाधान किया जाएगा, लेकिन उसमें कोई भी अभी मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला है वहाँ से, और बराबर सर वही 3-4 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। इस बार सर हम लोग लोकसभा चुनाव का विरोध कर रहे हैं, और कोई भी यहाँ से ग्रामीण वोट डाले नहीं जाएगा जब तक हम लोगों की पानी की समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई भी